हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई है उसमें कितने कुछ नंबर कम हुए हैं, कितनी सीटों के अगेंस्ट एडमिशन मिल रहा है, कब तक आप लोगों को फ़ीस सबमिट करानी है, इसके बाद भी कोई मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आज बहुत सारे वीडियो हो गए हैं भाई, है ना। ऑलरेडी हरियाणा की भी मेरिट लिस्ट आ गई है, जम्मू की आ गई है, कश्मीर की आ गई है, फिर उसके बाद झारखंड और साउथ बिहार की भी आ गई है। तो आज बहुत ही सारे वीडियो हो गए हैं। अब ये गुजरात की चल रही है, तो हालांकि अब लगभग एक दो दिन के अंदर सभी के आएंगे, मेजरली लगभग लगभग आने चालू हो जाएंगे और अगले 10 दिन में तो यानी कि दिवाली के टाइम पे जो बिल्कुल पीक टाइम होगा तो उसमें तो बहुत ही सारी जो लिस्टें हैं वो आने वाली है। किसी की सेकेंड आ रही होगी, किसी की थर्ड आ रही होगी, किसी की फर्स्ट ही आएगी। तो अब लिस्टों का दौर अब तो चालू होने वाला ही है। खैर, इस वीडियो को हम चालू करें तो उसके पहले जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो बात कर लेते हैं सेकंड कट ऑफ लिस्ट की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो स्कूल ऑफ एजुकेशन में अगर मैं प्रोविजनली एमएड में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं सेकंड क्राइटेरिया में, तो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले वो देख लेना एक बार, क्योंकि बहुत सारे कोर्स हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो 213 अभी भी है टॉपर के, और जो लोएस्ट है 194 है। स्टिल जो कट ऑफ है बहुत हाई चल रही है, हालांकि सीटें खाली पड़ी है लगभग देखो तो यहाँ पर फिर भी जो कट ऑफ है हाई चल रही है, क्योंकि फॉर्म उनके पास हैं। पहले वालों ने एडमिशन नहीं लिया होगा तो सेकेंड वालों को दे रहे हैं, अब ये भी नहीं लेंगे तो फिर ये थर्ड में जाएंगी। तो जब तक ये नंबर नीचे नहीं आएंगे प्रोसेस वाइज, तब तक तो ये लिस्टें ऐसे ही मेरे समझ में निकलती रहेंगी। हरियाणा का आज हमने किया था, उसमें देखा था कि कहीं पर एक एडमिशन है, कहीं पर दो एडमिशन है, बाकी पूरी लिस्टें खाली हैं। तो सेम कहानी किस में दिख रही है, गुजरात में दिख रही है, लगभग सब कुछ खाली पड़ा है। तो इक्के दुक्के एडमिशन हो रहे हो तो हो रहे हो, ये जब तक नीचे नहीं आ जाएंगी तब तक ये फिल नहीं होंगी। बात कर लेते हैं सोशल साइंस में एमए सोशियोलॉजी की, यहाँ पर भी कट ऑफ भैया बहुत हाई है। अभी भी 247 जनरल में टॉप पर है और 210 लोएस्ट मार्क्स हैं। ओबीसी में भी ज़्यादा कुछ अच्छे हालात नहीं है, 186 और 171 है। फिर अगर मैं बात करूँ अगर एमएससी एनवायरमेंटल साइंस की, स्टिल वेरी हाई, इसने पंजाब को भी माफ़ कर रखा है। और यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 221 टॉप और 208। भाई ये क्या, ये बीएचयू से भी ऊपर जा रहे हैं क्या, ये बीएचयू एचसीयू से भी फिर खाली जाएंगे, फिर थर्ड फोर्थ लिस्ट आएगी। मेरे को जो हिसाब है वो CUSB का और किसका, CU झारखंड का सही लगा। उन्होंने ओपन काउंसलिंग करा ली, इतनी लिस्टों का चक्कर ही ख़त्म कर दिया कि इस परसेंट से ऊपर वाले जो लोग हैं वो आ जाएं, जो जो इंटरेस्टेड है वो एडमिशन ले लेगा, बाकी इतनी लिस्टों का चक्कर आ रहा है, इनको भी पता है कि एडमिशन नहीं होने, फिर भी पता ही नहीं क्यों कर रहा है। खैर, अपना काम है तो करेंगे। फिर बात कर लें पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ पर देखो कितनी हाई कट ऑफ लिस्ट है, 256 नंबर और ये 230 नंबर, ये पता ही नहीं क्या हो रहा है। फिर देखो यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ पे फिर बहुत हाई है, ये देखो 258 और 240, ये 248। सोशल वर्क्स MSW की अगर देखो तो MSW में कितने है? 194 और 180। अगर आप देखो MSc इन लाइफ साइंस, तो लाइफ साइंस में भी बहुत ही ज़्यादा है, 222 और 210। अगर आप देखो लाइब्रेरी साइंस में, तो लाइब्रेरी साइंस में OBC नॉन क्रीमिलेयर है, बाकी तो मेरे हिसाब से सब फ्री फिल हो गया है। यहाँ पर एक ST की सीट बची है और बाकी OBC की नॉन क्रीमी की, और ये भी बहुत कम है, ये वाली फिल हो गई भाई यहाँ पर 69 और 32। फिर अगर बात करें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री खाली पड़ा है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी 161 144 5 से स्टार्ट हुई है। और हिंदू स्टडीज़ ये भी लगभग पूरा हो गया, जनरल में एक 169 158 लोएस्ट है, OBC बाकी फिल हो गया हिंदू स्टडीज़ भी। एम ए हिंदी स्टिल बहुत हाई है, 251 197। और फिर बात करें एम ए इंग्लिश, तो 252 242। अगर हम बात कर लें एम ए इकोनॉमिक्स, तो ये 174। अगर हम बात करें कंपैरेटिव लिटरेचर की, तो ये है कितना, 212 और 170। फिर हम बात करें MSc केमिकल साइंस, 185 और 170, है ना, ये 170 है।
और फिर हम बात करें किसकी, नैनो साइंस की, तो 139 और 125 फिजिक्स वाले जो लोग हैं जिनके नंबर कम है, जिनका यहाँ हो गया है, वो एडमिशन ले लेना भाई चुपचाप। और एमए पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। और क्या क्या है, जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम है उन्हें 20 तारीख तक, 18 तारीख यानी कि कल से स्टार्ट हो गई थी, मैं लेट हूँ, 20 तारीख को 12 बजे तक इनको फीस सबमिट करा देनी है। 20 तारीख को 12 बजे तक, ध्यान रहे 20 तारीख को 12 बजे तक फीस सबमिट करा देनी है, नहीं तो आपका जो एडमिशन है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप अलाउड नहीं है। जिसको भी रिफंड प्रोसेस में जाना है, उस मतलब जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके सबमिट नहीं है, जो रह जाएंगे, उनको 31 दिसंबर तक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट करा देने हैं, उनको डेडलाइन दे दी है पहले ही, ठीक है। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। मेन तो चीज़ है फ़ीस कब जमा करानी, 20 तारीख सुबह, यानी कि कल ही 20 तारीख है, आज 19 हो गई, तो कल 20 तारीख 12 बजे तक फ़ीस सबमिट करा देनी है। तो अब देख लेना किस लिस्ट में आपका नाम है। गुजरात की भी आ गई, जम्मू की भी आ गई, कश्मीर की आ चुकी, हरियाणा की आ गई, और किसकी आ गई, और ये झारखंड और साउथ बिहार, इन सब की लिस्ट आ गई है। अच्छा, उसके बाद पंजाब की आज फोर्थ की, आज क्या थी फोर्थ लिस्ट की, आज वो थी क्या बोलते हैं उसको, फ़ीस जमा कराने की लास्ट डेट, तो फिफ्थ निकलेगी कि जितनी भी सीटें बची हैं उनके अगेंस्ट, तो पंजाब की भी हो सकता है आज रात को आ जाए, तो मैं आज रात को ही बना दूंगा। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि DAVB या जो मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई है, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं बना दूंगा, टेंशन ना ले, मैं वीडियो बना दूंगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।